जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि इसरो SSC ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको वेरियस पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहले आप थोड़ी सी जानकारी इस भर्ती के बारे में जान लीजिए कि ये भर्ती आपके किन किन पदों पर निकाली गई है और आवेदन करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आप लोग 14 मार्च 2020 से लेकर के 3 अप्रैल 2020 शाम 5 बजे तक आवेदन कर पाओगे। नीचे यहाँ पर आपको सभी पोस्ट की जानकारी देखने को मिल पाएगी। मैं आपको पहले एक एक करके पोस्ट वाइज जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो आपकी पोस्ट है वो आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन एंड ड्राफ्ट्समैन की है। टोटल वैकेंसी आपकी 55 है। जॉब लोकेशन आपकी गुजरात रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल भी देख लीजिए। आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए 21 पद है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 6 पद है, टेक्नीशियन बी के लिए 25 पद है और ड्राफ्ट्समैन के लिए आपके 3 पद निकाले गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन जानना चाहते हो कि किस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें आवेदन करने के लिए आपसे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI की योग्यता मांगी है। इन पोस्ट को 3 कैटेगरी के अंदर रखा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप सी के अंदर जो आपकी पोस्ट है उसकी जानकारी आप यहां पर देख सकते हो। इसमें आपसे आवेदन करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 10वीं पास, साथ ही आपके पास उसी ट्रेड में ITI की योग्यता होनी जरूरी है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। तो ये जानकारी कंफर्म करने के बाद आपको अगर लगता है कि आप इसमें किसी भी पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पर अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा और मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको आना है और अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, तो आपको यहां पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहां पर आपको ये सभी पोस्ट देखने को मिल जाएगी जिन पर ये भर्ती निकाली गई है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको वही पोस्ट सिलेक्ट करनी है जिस पोस्ट पर आपको आवेदन करना है। तो चलिए हम यहां पर नीचे आते और हम यहां से एक पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर आवेदन करो, सभी पोस्ट पर आवेदन करने का तरीका सेम है, पर यहां पर थोड़ा सा जो चेंजेस होगा वो आपकी क्वालिफिकेशन का रहने वाला है। तो हम यहां पर टेक्नीशियन बी फिटर के सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जिसमें कि आपको डेट, एडवर्टाइजमेंट, पोस्ट अप्लाइड और पोस्ट नंबर देखने को मिल पा रहे। नीचे आती है पर्सनल डिटेल्स, तो यहां पर आपको सैल्यूशन के अंदर चूज कर लेना है श्री, मिस्टर, श्रीमती या फिर डॉक्टर। तो चलिए हम यहां से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फुल नेम आपका क्या है वो यहां पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फादर हस्बैंड नेम यहां पर आपको दे देना है। तो चलिए हम यहां पर अनमैरिड है इसलिए फादर नेम दे देते हैं। जनरल सॉरी जेंडर आपका जो भी है यहां से आपको चूज करना है। कैटेगरी आपकी जो भी है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये करने के बाद आप नीचे देखोगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर ये ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है तो आपको यहां पर इसको यस और नो में आंसर कर देना है। वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहां पर आपको नो ही रहने देना है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहां पर भी आपको इसको एज इट इज रहने देना होगा। इफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज गिव डिटेल्स, अगर आप हो तो आपको यहां पर उसकी डिटेल्स चूज करनी होगी, पर आप नहीं हो तो इसको इसके लिए आपको ये जानकारी चूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक्स सर्विसमैन हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपको रिलीविंग डेट चूज भी करनी होगी और नीचे आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। पहले डे सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद अपना बर्थ मंथ चूज कीजिए और यहां से आपको अपना ईयर अपने आप एंटर कर देना है। ये करने के बाद आप नीचे आपकी एज देखोगे और नेशनलिटी यहां पर आपकी दी जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों आती है आपके सामने एड्रेस की जानकारी, तो जो भी आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर देते हैं, पर आपको यहाँ पर अपना रियल एड्रेस फिलअप करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे सिटी, टाउन, विलेज, तो जो भी आपके विलेज का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए हम इसको फिलअप कर देते हैं। स्टेट, यूनियन टेरिटरी, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको उसको वो यहाँ पर चूज करनी है। कंट्री यहाँ पर दी जा रही है। पिन कोड यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का एंटर कर देना है। ये करने के बाद फ़ोन STD नंबर अगर आपका है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। फिर आता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। ईमेल ID आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको लिख देनी है और इसको लिखने के बाद नीचे आपको देखने को मिल पा रहा है
कंफर्म ईमेल एड्रेस, तो आपको इस ईमेल आईडी को दोबारा से लिख करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो एक बार आपको चेक करनी है और फिर आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर दिया जा रहा है SSC यानी कि 10th, तो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर चूज करना है। पहले मंथ सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ पर आपको ईयर अपना खुद से एंटर कर देना है। ये करने के बाद आपने किस बोर्ड से किए उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड या फिर जो भी आपके बोर्ड का नाम है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर आपको अपने बोर्ड का पूरा नाम डिटेल में देना होगा। परसेंटेज आपकी कितनी थी 10th के अंदर वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो चलिए हमने यहाँ पर कर दी है। क्लास आपकी क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आती है HSC यानी कि 12th, तो आपको सेम तरीके से यहाँ पर जानकारी भरनी है, पर इसमें पहले आपको अपना डिसिप्लिन चूज करना है कि आपने किस से की थी। फिर इसके बाद आपको मंथ पासिंग ईयर यहाँ पर सेम तरीके से चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। किस बोर्ड से की थी उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, और जैसे कि आपने 10वीं के अंदर भरा इसी तरह से आपको ये भरनी होगी। परसेंटेज आपकी कितनी आई थी वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। तो चलिए यहाँ पर हमने फिलअप कर दी है। क्लास आपकी क्या थी वो आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद आती है ITI, क्योंकि जिस पोस्ट पर आप आवेदन कर रहे हो उसमें ITI आपके पास होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर आपको इसकी जानकारी भी देनी होगी। आपको डिसिप्लिन फिटर चूज कर लेना है और सेम तरीके से मंथ पासिंग ईयर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलअप करते हैं। और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी कि आपने किस इंस्टीट्यूट से की है उसका नाम यहाँ पर आपको देना होगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म के अंदर दे रहा हूँ, पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का पूरा नाम यहाँ पर लिखना होगा। ITI फॉर्म यहाँ पर आपको चूज करना होगा, जहाँ से भी आपने अपनी ITI की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश से की है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। ये करने के बाद आप नीचे देखोगे NAC यहाँ पर दे जा रहा है। ITI NAC या फिर NTC मस्ट बी आफ्टर SSC SSC LC ओनली। तो अगर आपके पास आपने की है तो आपको इसकी जानकारी सेम तरीके से देनी होगी। यहाँ पर आपको ये जो जानकारी हमने ITI की भरी है सेम तरीके से जानकारी आप ये भी यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपके पास NTC है तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप उसकी जानकारी भी दे पाओगे। जैसे कि डिसिप्लिन यहाँ पर आपको चूज कर लेना कि किस डिसिप्लिन के अंदर आपके पास डिप्लोमा है, और जो अन्य जानकारी जैसे कि मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग वो आपको सिलेक्ट करना है। एग्जाम टाइप आपका क्या था यानी कि आपके मार्क्स टोटल मार्क्स के अंदर थे, CGPA के अंदर थे, DGPA के अंदर थे, OGPA या फिर CPI। बोर्ड इंस्टीट्यूट नेम आपको देना होगा। स्टेट ऑफ टेक्निकल बोर्ड आपको यहां पर चूज करना होगा। एग्रीगेट परसेंटेज आपको डालनी होगी और क्लास यहां पर आपको चूज करनी होगी। ये जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो अन्य पोस्ट है उन पर आवेदन करने के लिए आपसे हायर क्वालिफिकेशन भी मांगी है, तो उनके सामने ये ऑप्शन आ सकता है जो कि आपको भरना होगा अगर आप उस पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो। तो आपको इस तरह से ये जानकारी भर देनी है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएट की योग्यता तो आप उसकी जानकारी भी इस सेक्शन के अंदर भर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी आप अगर आप देना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर फिलअप कर पाओगे। PhD की जानकारी अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपने अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी भर दी है, आपको एक बार चेक करनी है और नीचे आकर के आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक्सपीरियंस की जानकारी आ जाएगी। तो इसमें आपसे जरूरी तौर पर एक्सपीरियंस नहीं मांगे तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आपको नीचे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आप देखोगे अदर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर अगर आप कोई अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप इस बॉक्स के अंदर दे सकते हो या इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी कैप्चा कोड दे जा रहे हैं कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है, और इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, और नीचे आने पर आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम यस कर देते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड एंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, आपको आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको प्रिंट व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से फिलअप हो सकता है, पर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद करके रखना है या फिर इसको सेव अपने पास रखना है, ताकि जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े आपको यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है या फिर उसका स्टेटस चेक कर लेना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको अपनी भरनी है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अभी आपको चूज कर लेनी है जो कि आपने फॉर्म को फिलअप करते समय यूज की थी। फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको अपना एक रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना होगा, और ये आपको तब लेकर के जाना है जब आपको आगे प्रोसेस के लिए बुलाया जाए। यहाँ पर आपको अपने पैलेस का नाम लिखना होगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर आपको करने होंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये आपको कहीं पर भेजने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको तब लेकर के जाना है जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी इसरो SSC ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ
साथ ज्ञान दे होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।